अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो भाई लोग, हमारी आज राइड हो रही है फरीदाबाद की तरफ की, क्योंकि भाई गाड़ी उधर हो रही है मॉडिफाई। तो पार्ट 2 वी आर गोइंग टू रिलीज़ वेरी सून। तो भाई आज यार काफ़ी दिन बाद मैं अपनी GT चला रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या चला रहा हूँ यार। टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसको चलाने के बाद तो यार ये स्प्लेंडर लग रही है सच्ची यार, मतलब ना मेरे को चलाने का इतना मज़ा आ रहा है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन उसका बहुत ही अलग है भाई। जीनो से इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। और भाई GT अपनी तरह अपनी जगह पे है, बट यार जो उसकी पावर है ना, अनबीटेबल। तो भाई आते हैं व्लॉग की तरफ, क्योंकि भाई व्लॉग हमारा आज होने वाला है शूट सीधा फरीदाबाद में। और मैंने काफ़ी कुछ सोचा है अपनी गाड़ी के बारे में, मुझे क्या क्या अलग कराना है, क्या क्या मुझे उसमें काम अलग तरीके से कराना है, जो कि कम्प्लीटली इन इंडिया लगनी चाहिए। सो आई एम हेडिंग टूवर्ड्स द फरीदाबाद शौकीन भाई के पास। पिछले वाले ब्लॉग में आपने मेरे देखा होगा बहुत कुछ कि यार मैंने क्या क्या चीज़ें बता दी, क्या क्या उनके पास प्रोजेक्ट चल रहे थे ऑलरेडी। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको पिछला वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। और भाई कुछ बताना यार, अगर आपको वीडियो में लगता है यार आपको कुछ मतलब बताना चाहिए कि यार ये चीज़ होनी चाहिए और गाड़ी में, जो कि आपने आज तक नहीं देखी है, तो प्लीज़ यार कमेंट में बताना यार ज़रूर, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी गाड़ी सबसे अलग होनी चाहिए इस बार, और मेरी यूट्यूब फैमिली इसको एंजॉय करे। क्योंकि भाई अलग तो होगा, ये तो फॉर श्योर है भाई, अलग तो होने वाला है। क्योंकि जो मुझे शौकीन भाई ने कॉन्सेप्ट बताया है और जो मैंने उनको कुछ कॉन्सेप्ट बताए हैं, वो हमारे बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि भाई ऐसी गाड़ी वाकई में इंडिया में नहीं होने वाली है, होंडा सिटी खास करके। आप दूसरी गाड़ी का कुछ कह नहीं सकते। एंड वी आर गोइंग टू रिवील वन थिंग वेरी सून भाई, वो बहुत अलग होने वाला है कि मुझे वो चीज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप लोग बताना, क्योंकि यार आपके प्यार के बिना नहीं हो सकता है वो चीज़ पॉसिबल। तो भाई बताना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उस चीज़ को रिवील करने वाला हूँ। शायद मेरी गाड़ी का काम पूरा हो जाए, मैं तब मैं उसको रिवील करूँ या बीच में रिवील करूँ। तो वो थोड़ा सा भाई बहुत अलग एक्सट्रीम चीज़ है वो, जो मैं करने के लिए बोल रहा हूँ, और भाई उसके लिए टाइम भी बहुत लगेगा। सो भाई बताना मेरे को वो चीज़ करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मैं बहुत जल्दी उस चीज़ को रिवील करने वाला हूँ। ठीक है, तो सीधे मिलता हूँ यार मैं आपको शौकीन भाई की जगह पे, शौकीन भाई के वर्कशॉप पे। गाड़ी में काम हो रहा है, तो बताना यार और क्या क्या चीज़ चेंज हो सकती है उसमें। तो सीधे चलते हैं भाई फरीदाबाद। भाई लोग पहुँचने वाले हैं शौकीन भाई के पास, और भाई यहाँ का रोड देख सकते हो कितना बढ़िया है। यहाँ गाड़ी क्या आएगी, किस तरीके से लेके आना है, देख लो यार। मैं दिखा देता हूँ आपको पूरा व्यू, और शौकीन भाई की शॉप भी साथ साथ में। भाई साहब बहुत ही गंदा रोड है यार, सीरियसली बहुत गंदा रोड है। पता नहीं कब से अंडर कंस्ट्रक्शन है ये, समझ नहीं आ रहा, बट बहुत टाइम हो गया। अब देखो यहाँ से दिख रहा है मारुति सुजुकी का शोरूम है, सर्विस सेंटर है यहाँ पे, और इसके जस्ट बराबर में ऑटो नेशन है। तो ऑटो नेशन के बराबर में यही बिल्कुल जो जहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, देख सकते हैं आप लोग। तो यही है शौकीन भाई की जगह। और देखो भाई आज नया प्रोजेक्ट चल रहा है, आज ऑडी खड़ी हुई है इनके पास, A6। ठीक है, तो हम चलेंगे अंदर, देखते हैं क्या क्या काम हुआ है, पूरा व्लॉग शूट करेंगे। गाइस ये देख सकते हैं आप, ऑडी A6 आई हुई है शौकीन भाई के पास कस्टमाइज़ होने के लिए। और भाई इसका बम्पर ये लगा हुआ है बाहर, और इनका प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द इसके ऊपर। तो शौकीन भाई से पूछेंगे इसके ऊपर क्या प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, क्या बनाने वाले हैं इसको। और भाई अब देखते हैं अपनी गाड़ी की दिशा क्या हो रही है, और मैं दिखाऊंगा भाई क्या बनवाया है मैंने। तो सीधे चलते हैं अंदर। और भाई सामने रेंज रोवर भी खड़ी हुई है, तो अभी दिखाऊंगा पिछली बार इसमें क्या काम था और अब क्या हुआ है। ये देख सकते हो भाई मेरी गाड़ी, क्या कर दिया है शौकीन भाई ने, ये क्या क्या घोल कर डाल दिया भाई। ये देखो पूरी गाड़ी खुली हुई है, ये देख रहे हो कितनी गल रही है नीचे से, पूरी गाड़ी का नाश हुआ हुआ है भाई, ये देखो। और मेरा पूरा वेल्वेट्रॉनिक देखो गाड़ी की हालत भाई क्या बनाती है। गाड़ी की चाबी देखो मैं कैसे रखता था और यहाँ कैसे रखी हुई है। तो भाई लोग अब आ जाते हैं हम आगे, और ये देख सकते हैं आगे की दिशा। पूरी बदल दी भाई। ये लो देख लो, ये थी होने की बात, ये हो रही थी चेंज। ये कुछ नहीं है भाई लोग, अभी चलता मैं अंदर और पूरी चीज़ें मुझे दिखानी है इसकी कि क्या क्या चीज़ चेंज हुई है। तो अब मैं आपको अंदर चल के दिखाता हूँ कि गाड़ी में क्या क्या काम हुआ है, क्या बम्पर निकाले इन्होंने, क्या बनाया है। लेकिन उससे पहले मैं दिखा देता हूँ आपको रेंज रोवर, जो कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि यहाँ का ये पार्ट गायब था, तो शौकीन भाई ने एज़ इट इज़ ये पार्ट बना दिया है। और आपने इधर भी देखा होगा कि ये पूरा पार्ट गायब था और ये बिल्कुल एज इट इज़ शौकीन भाई ने सेम बना दिया है। और ये कुछ मिरर में मॉडिफिकेशन की हुई है, ठीक है। और ये देखो भाई, उस दिन इसका बस खाली फ्रेम फ्रेम रेडी था और आज ये पूरी रेडी है, पर पेंट के लिए जाने के लिए बाकी। हाँ शौकीन भाई, हाँ पेंट के लिए रेडी है अभी, बस जिनकी गाड़ी है एक तो हाँ वो आ रहे हैं अभी, एक बार इसको चेक करेंगे, उनका भी रिव्यू लेना आप, ठीक है कि कैसी लग रही है कैसी नहीं, और वो चेक करेंगे। अगर इसके अंदर वो कोई कुछ कमी बताएंगे या कुछ प्रॉब्लम बताएंगे तो उसको हम सही करके देंगे, वरना हमारी तरफ से एकदम ओके है। ओके तो भाई एक बार नज़र मार लो भाई, ये देखो काम में फिनिशिंग भाई अलग ही लेवल की है। एक होता है हाथ का काम और एक होता है कंपनी का काम, मॉल्ड जिनके पास होते हैं, बट ये हाथ का काम है यार। कोई बता सकता है ये ऐसे हाथ का काम है भाई? परफेक्शन इसी चीज़ को बोलते हैं। तो शौकीन भाई के हाथ में वो जादू है जिससे पूरा भाई चेंज कर देते हैं। और इधर खड़ी हुई है काफ़ी गाड़ियाँ, लेकिन भाई ये गाड़ी दिखाऊंगा नहीं, शौकीन भाई का इस पर प्रोजेक्ट चल रहा है। तो भाई मेरे को पहले ही इंस्ट्रक्ट कर दिया है कि भाई ये मास्टर बटर की गाड़ी तैयार हो रही है, देख लो। हाँ तितली बन गई है, ठीक है। और मेरी गाड़ी का क्या काम हुआ है शौकीन भाई, ज़रा दिखा दो आगे से। तो शौकीन भाई ये देखो बोनेट रखा हुआ है, ये मुझे स्कोडा का बोनेट लग रहा है या वॉक्सवैगन बोलो। तो ये रेसिंग के लिए बोनेट, इसका डिक्की और बोनेट दोनों फाइबर के बनेंगे रेसिंग के लिए। अच्छा पूरे प्रॉपर भाई साहब। ये लो शौकीन भाई, इससे पहले एक बात बताओ, जो ऑडी A6 खड़ी हुई है बाहर, उसमें क्या काम होने वाला है? उसमें भी कुछ होने वाला है और भी काम के लिए आई है, अभी लाइन में लगी पड़ी है, अभी एक तो गाड़ी कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद फिर उसको काम शुरू करेंगे। उसके बाद हल्का सा दिखा दो फिर। हाँ दिखा, हल्का सा दिखा दूँ मर्सिडीज़ को, ऐसे करके हटा दूंगा एकदम। दिखा दो, झलक दिखा दो, हल्की झलक देख लो गाइस, बस इतनी काफ़ी है। नेक्स्ट व्लॉग में भाई पूरा दिखाऊंगा भाई से परमिशन लेने के बाद, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी काम बाकी है। ये प्रोजेक्ट इनका बिल्कुल बहुत हिडन प्रोजेक्ट चल रहा है ये। हाँ ये कुछ मतलब इस लेवल की गाड़ी है कि हो सके आपको कुछ कहीं ना कहीं दिखेगी ज़रूर, कहीं भी गाड़ी टीवी में दिख सकती है, कहीं पे कुछ अलग लेवल, ये अलग ही लेवल का हो रहा है। तो ये बन चुका है भाई अपना ये आगे का बम्पर, अभी ये अधूरा है बिल्कुल। हाँ तो मतलब इस हिसाब से कुछ जाएगा होने वाला, लेकिन अभी ये बता रहा नहीं है कहाँ से मैच होगा। हाँ ये तो पूरा बनने के बाद ही मतलब ये देख लो कि बस। हाँ ये है कि भाई भैया को भी समझ आ जाएगा कि हाँ कुछ हुआ है। हाँ बाकी तो भाई ये है हमारा आगे का थोड़ा सा बम्पर का लुक, बट अभी इसमें बहुत काम बाकी है, बहुत ज़्यादा है ना। अभी ये कुछ भी नहीं है, बट ये एक हल्का सा टीजर मार लें, ये ट्रेलर मार लें इस चीज़ को, तो ये सब समझ सकते हैं भाई। ये हमारा बस एक ओवरव्यू आया कि थोड़ा सा ये चीज़ हमारी स्टार्ट होने वाली है कि गाड़ी में कुछ हल्का सा अलग लुक। और अभी इसमें काफ़ी काम बाकी है और इसकी फिटिंग वगैरह, और ये बैक साइड के बम्पर की फिटिंग वगैरह बन चुकी है और बैक साइड भी रेडी होने वाली है कुछ टाइम में। तो शौकीन भाई ने मेरे को टाइम दिया है नेक्स्ट वीक का कि ये पूरा प्रॉपर रेडी हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक। हाँ शौकीन भाई ये नेक्स्ट वीक तक रेडी हो जाएगा, इधर आ जाओ वरना गाड़ी आ जाएगी। हाँ नेक्स्ट वीक तक हो जाएगा पूरा कंप्लीट, मतलब अगर मैं आपको गाड़ी पे लगाओ दिखा जाएगा और पूरा प्रॉपर साथ मिलेगा। तो यूट्यूब फैमिली को पूरा दिखाएंगे अगली बार भाई, इसको अगली बार मैं पूरा दिखाने वाला हूँ कि भाई क्या होने वाला है, क्या क्या बनाया शौकीन भाई ने। तो भाई साहब बहुत अलग गाड़ी होने वाली है, थोड़ा सा कमेंट करके बताओ यार क्या चीज़ और होनी चाहिए इसमें, क्या चीज़ अलग कराऊँ इसके अंदर, तो थोड़ा सा आपका सजेशन भी चलेगा। तो भाई जल्दी से मिलता हूँ नए ब्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।